एम्प्रेस मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चल रही बैचलर पार्टी में पुलिस ने छापा मारा। रेस्टोरेंट संचालक समेत 38 लोगों के खिलाफ गणेशपीठ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपी हुक्का और शराब का सेवन किए हुए थे। इम्प्रेस मॉल के तीसरे माले पर द हाइड आउट लॉन्च एंड रेस्टोरेंट है। शुक्रवार की रात को वहां पर रेस्टोरेंट संचालक योगेश नारायण किरणापुरे और उसका भाई वैभव नारायण किरणापुरे ने बैचलर पार्टी का आयोजन किया था। इसकी भनक लगते ही जोन क्रमांक 3 के उपायुक्त गजानन राजमाने के आदेश पर गणेशपेट पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 32 लोग हुक्का और शराब के नशे में पाए गए। कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन हुक्का पॉट, विविध फ्लेवर का तंबाकू, विदेशी शराब की बोतल और 19,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। पार्टी में अचानक पुलिस के आधमकने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच 4 कर्मचारी, 32 ग्राहक और संचालक योगेश और वैभव, ऐसे कुल 38 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। एक प्राइवेट पार्टी शुरू होती गणेशपेट थानेदार आणि डीबी पार्टी ने एक रेड केलेली आहे। 38 लोक तिथे सापडली होती। हुक्का आणि अल्कोहोल ही पीत होते। तशा आपण त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यात काही गुंड प्रवृत्तीचे पण लोक होती। त्यांच्या शरीर तपासणीमध्ये रक्त चाचणी त्यांच्या घेतलेल्या आहेत। पण आपल्याद्वारे मी सगळ्या या लोकांना आवाहन करतो, म्हणजे प्रायव्हेट ठिकाण असो, सार्वजनिक ठिकाण असो, बार रेस्टॉरंट, ओया हॉटेल असो, नाही कुठलं सावजी असो, कुठल्याही प्रकारचा कसल्याही प्रकारचा अवैध हद्दीमध्ये आम्ही चालू देणार नाही। आणि आणि कुणाला जर शंका असेल किंवा अजून कोणावर कारवाई होणार झालेली नसेल तर गृहीत धरावं की आपले इलिगल ॲक्टिव्हिटी सुरू असतील तर ती नक्की होईल आणि आपल्याला नंतर पश्चाताप होईल। आम्हाला लोकांच्या सुरक्षितेची जबाबदारी आहे, ती आम्ही 100% निभावणार। लोकांना सुरक्षा देता आणि निर्भयतेचं वातावरण तयार होण्यासाठी आम्ही कायम 24 तास सजग राहणार, कारवाई करत राहणार इलीगल गोष्टीवर। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।